राम भीड़ी के हायर सेकेंडरी स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर ऐसा सवाल आ गया जो प्रेरणादायी और मिसाल बनकर हम सबके सामने है। स्कूल प्राचार्य और प्रबंधन ने मिलकर कोरोना काल में बच्चों के लिए 2 स्मार्ट क्लास बनाई जिसकी संख्या भविष्य में 5 होने वाली है। इसके अलावा स्कूल परिसर में बोरवेल लगाकर पानी की समुचित व्यवस्था, साफ पीने के पानी के लिए 2 RO प्यूरिफायर वाटर सिस्टम, कक्षों में बिजली की व्यवस्था हमेशा बनाए रखने, इन्वर्टर सिस्टम, नए फर्नीचर के साथ ही हर क्लास में ट्यूबलाइट, सीलिंग और वॉल फैन के इंतजाम किए गए। पूरे स्कूल परिसर को CCTV से लैस करते हुए साउंड सिस्टम भी लगाया गया ताकि एक बार में ही सभी को कोई सूचना दी जा सके। जिन 2 स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है उनमें LED TV और प्रोजेक्टर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के प्रबंध किए गए। ये सब व्यवस्थाएं स्कूल को मिलने वाले फंड से ही की गई है। ये प्रेरणा जब मुझे प्राइवेट स्कूलों का विजिट करने को मिले जी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए मिला था, तो मैंने वहाँ देखा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जी और उसमें कमियां देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हम उससे बेहतर कर सकते हैं जी। और बेहतर करने के उद्देश्य से हमने ये काम किया है जी कि हम अपने स्कूल में एक अच्छा LED प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, स्मार्ट TV लगा सकते हैं, हम PA सिस्टम लगा सकते हैं, हम CCTV से लेस कर सकते हैं, कंप्यूटर संसाधन लगा सकते हैं, बच्चों के बैठने की उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं जी। अगर हमारे अंदर साहस और क्षमता है तो हम उसके माध्यम से अपना अपने विद्यालय को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। और वही कारण है कि हमने अपने विद्यालय में जितनी जो सुविधा हो सकती है जी, न्यूनतम साधनों में अधिकतम सुविधा, उसको हमने किया है। सर, छात्र कैसे रुचि ले रहे हैं इसमें? देखिए, यहाँ छात्र जो है वो बेचारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जी, आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र के बच्चे हैं जी, अध्ययन करने आते हैं, उनको बहुत कुछ यहाँ से समझाना पड़ता है, बहुत मदद करनी पड़ती है, किताबों की मदद करनी पड़ती है, जो बेचारे असहाय होते हैं, जो शुल्क देने में उनकी शुल्क भी माफ़ करते हैं, यानी जितनी मदद हो सकती है विद्यालय से और मुझसे, मैं अपने स्तर से करता हूँ ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो, साधन के अभाव में बच्चा परेशान ना हो, तो मेरा यही प्रयास रहता है। और इस वर्ष भी इस विद्यालय की जो बालिका है जिन्होंने बैजर बिरसा परसवाड़ा तीनों को टॉप किया है, कुमार रवीना पढ़ते जिन्होंने 97.5% अंक लेकर के ये गौरव हासिल किया है, उस बालिका को मैं 2 वर्ष तक कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में निःशुल्क शिक्षा दूंगा, और जो भी कमी होगी, जो किताबें कापियाँ जो भी उसको ज़रूरत होगी उनकी सबकी पूर्ति करूँगा। सर, ये सारे सामान के लिए, आधुनिक उपकरणों के लिए कहाँ से फंडिंग की गई? ये हमारे विद्यालय का फंड है, हमने इसका मिसयूज़ नहीं किया है जी, हमने इसका बिल्कुल जिस क्षेत्र में हमको पैसा लगाना चाहिए उसके लिए हमने जोड़ जोड़ के रखा जी। जैसे जैसे हमको हमारे पास पैसा जुड़ता रहा जी, तो हमने उसको एक नया रूप देते रहे जी, उस पैसे का उपयोग। अभी ये जो हमने लगाए हैं उसके बावजूद भी हमारे पास 2 स्मार्ट क्लास हैं जी, और मैं अभी इस सत्र में 3 स्मार्ट क्लास बनाऊंगा, ऐसे 5 स्मार्ट क्लास मेरे विद्यालय में होंगी जी। ये 3 स्मार्ट टीवी लगाने का मेरा प्लान है और मैं इसी सत्र में उसे करूंगा। सर, जैसे कि देखा जा रहा है ये जो यहाँ प्रसाधन जो बना है, महिला प्रसाधन, वो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? ये प्रेरणा सहायता कार्यालय से ये सेंक्शन हुआ जी, साहब ने, हमारे UC साहब ने हमको ये दिया है जी। और मैंने जो ठेकेदार है उनसे बात करके मैंने कहा कि भाई जो बना रहे हो ये ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, ये सुव्यवस्थित होना चाहिए ताकि सिर्फ दिखावे के लिए ना हो, काम के लिए हो जी। और इसी कारण उन्होंने बाकायदा पूरा मन लगा करके पूरी तन्मयता के साथ में इसको बनाया है और सुसज्जित बनाया है जी। क्या, सर क्या प्रबंधन का भी सहयोग रहा कोई? प्रबंधन नहीं, ये तो देखिए प्रबंधन का तो हमारे हर काम में सहयोग रहता है जी, उनकी सहमति रहती है, उनका सहयोग रहता है, हमारे ग्रामीणों का रहता है, हमारे अभिभावकों का रहता है जी, उनकी सबकी सहमति, अच्छे कार्यों के लिए उनका हर समय मुझे सहयोग मिलता है। और ख़ास करके भीड़ी की जनता का मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाकायदा मुझे हर प्रकार से सहयोग किया है यहाँ पर विद्यालय के विकास के लिए जी।